दो तीन दो तीन। अधिकारी जी, मैंने छत तो देख ली, अब ये बताओ बनवाना क्या है आपने? दो बड़े बड़े कमरे निकालने हैं। तीन तीन, मैंने कहा दो मतलब दो। देखो इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। डेढ़ मंजिला मकान बनाते वक्त भी मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस बार मैं जो बोलूंगी वो होगा। तो ऐसा करो, पैसे भी अपनी जेब से लगा लेना। पैसे की धमकी मुझे मत देना, भूलो मत, ये मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, और अगर ज्यादा दाएं बाएं करी ना तो पप्पा के बैंक में कागज रख के लोन उठा लूंगी। इसी दिन के लिए तुमने मुझे बेला फुसला के अपने नाम से रजिस्ट्री करवा ली। अरे आपने मेरे को झगड़ा दिखाने के लिए बुलाया है या मकान बनवाने के लिए? अब दो कमरे निकलेंगे या तीन कमरे, वो तो नापना पड़ेगा ना। अरे नापना क्या है, 30x25 है नाप। अच्छा 30x25 है, उसके हिसाब से तो भाभी जी तीन कमरे निकल जाएंगे बड़े साइज के, है ना? क्या है ना, सब में अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं बनवाओगी? हर कमरे के साथ टॉयलेट बाथरूम बनाना जरूरी है क्या? ये तो अपने पांचों भाइयों से पूछो, जब एक ही दिन सारे धमक पड़ते हैं तो जोड़े में जाते हैं। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे बचपन से साथ में खेले कूदे हैं, नहाए धोए हैं। अब तो बोल देना कि शादी के वक्त भी यही नियम अपनाए। मैं तो कह रहा था जी, कब लगाऊं काम? रेट वेट तय नहीं होगा पहले? पहले ठेका किसने लिया था? अनिल ने। उसे दोबारा क्यों नहीं बुलाया आपने? वो गांव चला गया है और अब यहाँ नहीं रहता है। मेरे हिसाब से मोटा मोटा खर्चा आएगा आपका 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए बस तीन कमरे बनाने के? सिर्फ दो कमरों का। सिर्फ ढांचा खड़ा करने के 9 लाख रुपए लेगा तू? 1500 कम कर देना। अरे लेने के वक्त 9 लाख रुपए और छोड़ते वक्त सिर्फ 1500। तो फ्री में बना दूं आपका घर, हैं? घर से लगा दूं लेबर मटेरियल? ए, ज्यादा चीखम चिल्ली करी तो अभी टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। मटेरियल गिरने की जगह है नहीं, पुलिया पे गिरवाना पड़ेगा, वहां से गधे से ढुआऊं, अलग से लेबर बुलाऊं ताकि 2 मंजिला वो चढ़ाए। 2-4 लाख का काम लग रहा आपको? अगर ऐसा लग रहा है तो अनिल को बुला लो गाँव से, मैं चला। अरे पहली बार तो नहीं ले रहा ठेका कहीं तू? आपके यहाँ पहली बार कर रहा हूँ, साथ वाला मल्होत्रा का मैंने बनाया है और ओबराय के यहाँ जो काम चल रहा है ना वो मेरा ही है। ठीक है ठीक है। अच्छा भैया एक बात बताओ, ये 9 लाख में मार्बल का फर्श तो बिछाओगे ना? दिमाग ठीक है आपका, 9 लाख रुपए में मार्बल बिछा दूं? तो फिर? अरे सादा सीमेंट का घोल लगा दूंगा, और अगर टाइलें लगवाओगे तो उसका खर्चा अलग से आएगा। अरे ये क्या बात हुई, मालती ने मार्च में घर बनवाया, उसके ठेकेदार ने तो फर्श पे टाइलें लगा के दी है। अरे वो श्रीवास्तव का, अब बोलेगा वो मकान भी इसने बनाया। हाँ मैंने ही बनाया है, और मैडम उसका एरिया कम था इसलिए कम कर दिए पैसे। कहाँ भैया, 19-20 का ही तो फर्क है। 40 गज का फर्क है। अरे ये सब राम कहानी छोड़ और सही सही रेट लगा, मुझे दफ्तर भी निकलना है। अरे बोल दो ना फोन करके दफ्तर में कि जरूरी काम से बाहर हो, लेट हो जाओगे पहुँचने में। योगी जी दौरे पर हैं, सस्पेंड होने में टाइम नहीं लगेगा। आप एक काम करो, आप दफ्तर जाओ, मैं समझा दूंगा भाभी जी को। हाँ ताकि तू लेडीज को बेवकूफ बना के 10 के 20 तय कर ले। अरे इतनी पागल नहीं हूँ मैं कि कोई भी अरे मुझे बेवकूफ बना देगा। हाँ मैट्रिक्स में मैंने होम साइंस जरूर ली थी, लेकिन गणित मेरा तुमसे तेज है। तो भाई साहब एक बात बताओ, मैं झोला उठा गया लूटने नहीं आया? अगर विश्वास है तो कराओ, नहीं तो रहने दो। क्यों रहने दो, मकान बनवाएंगे तो तुमसे ही। कमीशन तो फिट नहीं है तुम्हारी, जो इससे मकान बनवाने पे जोर दे रही हो तुम। अरे कैसे आदमी हो आप, अपनी बीवी पे विश्वास नहीं कर रहे तो दूसरे पे क्या करोगे? पर अगर कमीशन ही लेनी होती ना मुझे, तो अपने मायके में 5 भाइयों के नाम पे 5 कोठियां बनवा चुकी होती। उसकी क्या जरूरत है, उन 5 के लिए है तो ये 1.5 मंजिला मकान जिसे बढ़वा के 2 मंजिला बनवा रही हो तुम। अगर तुम रोज रोज ऐसे ही ड्रामा करोगे ना तो एक दिन तहसील जाकर अपने 5 भाइयों के नाम पे रजिस्ट्री करवा दूंगी, फिर भटकते रहना किराए के मकानों में। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी किराए पे नहीं रहता। ऐसा है, पहले आपस में समझौता कर लो कि रजिस्ट्री किसके नाम करवानी है, फिर बनवाते रहना मकान। सुबह सुबह का टाइम है, गलत नहीं बोलूंगा, अगर किसी ने यहाँ का ठेका पकड़ लिया ना तो आप दोनों की चिक चिक सुन के ना छत से कूद जाएगा। हाथ जोड़े आपके, जय राम जी की। अरे अरे भैया सुनिए, लो गया, और पकड़ के लाओ लेबर चौक से ठेकेदार। मुझे पता है तुम्हारे बस का नहीं है ये मकान बनवाना। अरे ये क्यों फोन करने लगा? अरे अब तो फोन में क्या लग गए, मैं बोल रही हूं सुनो ना। एक मिनट चुप रहोगी, दफ्तर से फोन आ रहा है। हेलो योगी जी आ गए। योगी जी आ गए? अरे तुम्हारे चक्कर में आज पक्का सस्पेंड हो जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में। अरे पर मेरा मकान। अरे ठीक है जाओ, मिलो अपने योगी जी से, और हो सके ना उनके साथ लखनऊ भी चले जाना, क्योंकि आज के आज में मैं ये मकान अपने भाइयों के नाम पे कर रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है वापस आने की।